Good morning, everyone. The other day we talked about parts of speech, and I told you that there are 8 parts of speech in English grammar. और हमने ये भी बात की modern English grammar में 2 part of speech और हमने discuss किए थे articles and determiners. Now let's move towards the first part of speech, that is noun. आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे. नाउन जो है इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. नाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन. नाउन जो है किसी पर्सन के लिए यूज हो सकता है. पर्सन में उसका नाम, जैसे टॉम, जेरी, मिकी. प्लेस, कोई प्लेस हो सकता है, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया. थिंग, कोई वस्तु हो सकती है, जैसे टेबल, पेपर, पेंसिल, स्केल. एनिमल, कोई एनिमल हो सकता है, काउ, शीप, डॉग, बुल. फिनोमिना, कोई फिनोमिना हो सकता है, जैसे कोई प्रक्रिया, प्रोसेस हो सकती है, जैसे सनशाइन, स्नोफॉल, रेन, वेदर. सब्सटेंस, कोई पदार्थ हो सकता है, जैसे मिल्क हो गया, वाटर, ऑयल, जूस, किसी भी तरह का सब्सटेंस. और क्वालिटी और कोई आइडिया हो सकता है, जैसे क्वालिटी और आइडिया के बारे में बात करें हम, जैसे ऑनेस्टी, ये किसी की क्वालिटी हो सकती है. ब्रेवरी, काइंडनेस. स्टेट और कंडीशन, या फिर हम कंडीशन के बारे में बात करें, जैसे इलनेस, ये कंडीशन हो गई. चाइल्डहुड, स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस. एंड एक्शन, एक्शन जो है किसी वर्ब से जब हम नाउन को उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो वो जैसे मूव से मूवमेंट हो गया. मूव एक वर्ब है, एक्शन है, इससे मूवमेंट बना, तो ये नाउन हो गया. ऑपरेट, ऑपरेट से ऑपरेशन हो गया. मोटिवेट से मोटिवेशन हो गया. क्रिएट से क्रिएशन हो गया. तो इस तरह से कोई एक्शन भी एक नाउन हो सकती है. दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. मैंने बता दिया, प्लेस, थिंग, कोई ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. इसकी एक डेफिनेशन और मैंने लिखी है. अ नाउन, इसका लैटिन नेम जो है वो है नोमेन, वहीं से ये बना है नाउन. तो अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट फंक्शंस इज द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक थिंग और सेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि सच एज लिविंग क्रिएचर्स, वो भी नाउन है. ऑब्जेक्ट्स नाउन है. प्लेसेस, एक्शंस, क्वालिटीज, स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कोई किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है तो वो भी नाउन है, उसका कोई नेम है. और आइडियाज़, कोई आइडियाज़ हो सकते हैं. अ नाउन कैन को अकर. को अकर का मतलब होता है हैपन या टेकन प्लेस टुगेदर. अ नाउन कैन को अकर विद एन आर्टिकल, यानी कि अगर नाउन, अगर कहीं पर कोई नाउन है तो हम उसे आर्टिकल के साथ लिख सकते हैं. बिफोर, पहले आर्टिकल, देन नाउन, और एन एडजेक्टिव, या वो किसी एडजेक्टिव के बाद भी आ सकती है. जैसे द मोबाइल, तो द यहाँ पर आर्टिकल हो गया और मोबाइल जो है वो नाउन हो गया. उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है फियरफुल साइट, तो फियरफुल ये एडजेक्टिव है और साइट यहाँ पे नाउन है. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. वैसे तो नाउन के कई सारे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं. अलग अलग ग्रामेरियंस ने अलग अलग तरह से इसके नाउन के टाइप्स बताए हैं. हम यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल क्लासिफिकेशन है वो देख रहे हैं. तो हमने यहाँ पर नाउन को, नाउन के 2 क्लासिफिकेशन किए हैं. फर्स्ट, काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा हमने जो इसका क्लासिफिकेशन किया है वो है अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन में हमने 3 तरह के नाउन्स को रखा है. प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर पर्सन के बारे में, प्रॉपर प्लेस के बारे में और प्रॉपर थिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. कॉमन नाउन, जो कि हमें कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग के बारे में बात करती है. और कलेक्टिव नाउन, जो कि एक कलेक्शन के बारे में बात करती है. कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स.
काउंटेबल नाउन जो है इसमें तीन तरह के नाउन को हमने डिस्कस किया। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दीज थिंग्स वेरी डीपली। सेकेंड जो नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन। इसमें दो तरह के नाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन। कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन वो होती है विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सकता है, और विच कैन बी हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई सॉलिड चीज़ हो गई, कोई लिक्विड फॉर्म हो गया या कोई गैस फॉर्म हो गया, तो उन सभी को हम कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन के रूप में जानते हैं। सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम केवल फील कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था क्वालिटी के बारे में, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील इट। ब्रेवरी, किसी की ब्रेवरी को हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील दिस थिंग। और तो ये तरह से दो तरह के हमने क्लासिफिकेशन किए नाउन के। एक नोट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है जिसमें मैंने दो तरह के नाउन के बारे में बताया है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन वो नाउन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस जैसे टू और मोर वर्ड्स, हैविंग टू और मोर वर्ड्स, एग्जाम्पल के रूप में जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये इस तरह से जो है दे हैव टू एंड मोर वर्ड्स। मास नाउन क्या होती है, मास नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जो हमने क्लासिफिकेशन किया था नाउन का, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन को हम थोड़ा समझते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होती है, द नाउन विच इज कैपेबल ऑफ बींग काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सकता है, इज अ काउंटेबल नाउन, उसे ही काउंटेबल नाउन कहा जाता है। इट हैज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अगर कोई नाउन काउंट की जा सकती है तो उसके दोनों फॉर्म होंगे, वो सिंगुलर भी हो सकती है एंड इट कैन बी प्लूरल एज वेल। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, काउंटेबल और काउंट नाउन्स, काउंटेबल नाउन कहें या काउंट नाउन्स कहें, बोथ आर सेम, आर कॉमन नाउन्स, इनको कॉमन नाउन्स भी कहा जाता है। दैट कैन टेक अ प्लूरल, जिसका एक प्लूरल फॉर्म भी होता है, भाई वो सिंगुलर होती है तो प्लूरल भी बनाई जा सकती है। एंड काउंटेबल नाउन्स कैन कंबाइन विद न्यूमरल्स, इसमें नंबर्स भी होते हैं, काउंटिंग क्वांटिफायर्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे वन, टू, सेवरल, एवरी, मोस्ट, ये सब न्यूमरल्स हैं। एंड कैन टेक अ इनडेफिनेट आर्टिकल, और काउंटेबल नाउन जो होती है यानी कि जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, इट कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और अगर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है तो ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन वो भी लेती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर नाउन है तो हम अ बॉय कह सकते हैं, गर्ल, सिटी, बुक, मैन, वुमन। अच्छा, मैन जो है इसका प्लूरल फॉर्म मैन होगा, एम ई एन, और वुमन का प्लूरल फॉर्म होगा विमिन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, विमिन। इनके प्रोनंसिएशन को भी आपको ध्यान में रखना है। बुक, फ्लावर, फ्लावर से फ्लावर्स बन जाएगा, ठीक है, प्लूरल अगर बनाना है। फ्रेंड्स, चेयर्स, हाउसेस, बॉयज एक्सेट्रा। तो ये जो हमने देखा काउंटेबल नाउन्स के बारे में, अब हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। अनकाउंटेबल नाउन जो है अ नाउन दैट नॉर्मली कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नॉर्मली हम काउंट नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास नाउन। अभी हमने मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मास नाउन भी एक अ काइंड ऑफ अ नाउन, जो एक काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ही होती है। मटेरियल नाउन भी हम कह सकते हैं, नॉन काउंट नाउन भी हम इसे कह सकते हैं। इट कैन नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। अच्छा, इसमें जो इसको हमें मेज़र जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये प्लूरल फॉर्म नहीं ले सकती, ये सिंगुलर होती है। इट अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर और कंबाइंड विद नंबर वर्ड्स, इसको नंबर वर्ड्स में हम कंबाइन भी नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेफर टू अ फर्नीचर, जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि फर्नीचर को हम अ फर्नीचर नहीं कह सकते और थ्री फर्नीचर्स नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन पीसेस ऑफ फर्नीचर इज पॉसिबल,
मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स या कुछ नाउंस ऐसी होती हैं, दे बोथ आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। वो सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग उनको काउंट भी किया जा सकता है और वो अनकाउंटेबल भी कंसिडर की जा सकती हैं, आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और दी हुई है, अ नाउन विच इज़ इनकैपेबल ऑफ बीइंग काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वी आर अनेबल टू काउंट इट, उसे ही अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। इट डिस्क्राइब्स अ मीनिंग ऑफ अ नाउन दैट कैन नॉट बी यूज्ड फ्रीली विद नंबर्स, इसको हम नंबर्स से यूज नहीं कर सकते। और द इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल भी नहीं यूज कर सकते। एंड विच देयर फॉर यूजली टैक्स नो प्लूरल फॉर्म, और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती। जबकि हमने देखा कि काउंटेबल नाउन जो है उसकी दोनों फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। सिंगुलर फॉर्म से पहले हम आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हैं, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए हम इसका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता और हम इससे पहले कोई इनडेफिनेट आर्टिकल का भी यूज़ नहीं करते। हम मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं अनकाउंटेबल नाउन के, जैसे वाटर, हम यहाँ यूँ नहीं कह सकते अ वाटर, टू वाटर्स, थ्री वाटर्स। हाँ, यहाँ पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं गिव मी टू ग्लासेस ऑफ वाटर, वन ग्लास ऑफ वाटर, ऑयल हो गया, टी, गोल्ड, कॉफ़ी। हम यहाँ पर कॉफ़ी को अ कॉफ़ी, टू कॉफ़ीज, थ्री कॉफ़ीज नहीं कह सकते, लेकिन अ कप ऑफ कॉफ़ी, टू कप्स ऑफ कॉफ़ी ये ज़रूर कह सकते हैं। प्राइड, एडल्टहुड, इन्फेंसी, ब्रेवरी, ब्रेवरी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से दैट यू हैव वन ब्रेवरी, यू हैव टू ब्रेवरीज, सोडा, मनी, ब्रेड एक्सेट्रा। इन सारी, ये सारे जो वर्ड्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। आगे हम देखते हैं नाउन्स दैट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसी नाउन होती है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू मीनिंग, उनकी मीनिंग के आधार पर वो काउंटेबल कंसिडर की जा सकती है और अनकाउंटेबल। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं आयन, इसे आयरन नहीं पढ़ा जाता, इसमें जो आर साइलेंट होता है आयन। अब आयन अगर काउंटेबल है तो वो एक इलेक्ट्रिक थिंग के बारे में बात की जाएगी, और वो अनकाउंटेबल है तो आयन जो है एक मटेरियल चीज़ के रूप में उसे यूज़ किया जाएगा। जैसे आयन, आयन इज़ अ यूज़फुल मटेरियल और यूज़फुल मेटल, ये हम कह सकते हैं। और जो फर्स्ट काउंटेबल है आयन, यहाँ पर हम स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड वर्ड हमारा ग्लास, जिसका यूज़ काउंटेबल के रूप में होता है तो कंटेनर के रूप में यूज़ किया जाएगा, और अनकाउंटेबल में इसका मीनिंग मटेरियल है। उसी तरह से हम टाइम देखते हैं, टाइम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, और अनकाउंटेबल में लेंथ ऑफ एन एक्टिविटी। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेपर, पेपर जब काउंटेबल होता है तब इसका मीनिंग रिपोर्ट और ऐसे या कोई न्यूज़पेपर होता है, और जब ये अनकाउंटेबल होता है तब इसका यूज, इसका जो मीनिंग है वो मटेरियल। उसी तरह से लाइट, लाइट काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों फॉर्म में है। वर्क, चिकन, चिकन एक काइंड ऑफ एनिमल भी होता है और चिकन फूड को भी कहा जाता है। हेयर, हेवर, हेयर जो हैं दोनों हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो काफ़ी बार पूछा जाता है। हेयर जो है जब हम इनको इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं तब तो इनको काउंटेबल कहा जाता है, और हेयर जब जनरल वे में इनको यूज़ कर रहे हैं तब ये अनकाउंटेबल इसको कहा जाता है। रूम, रूम भी काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। रूम का यूज़ जब प्लेस के रूप में किया जाता है तब ये काउंटेबल है, और रूम का यूज़ जब स्पेस के रूप में किया जाता है तब ये अनकाउंटेबल है। उसी तरह से कॉफ़ी, वाटर, बियर, टी, सोडा। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ड्रिंक्स के बारे में, जैसे टू कप्स ऑफ कॉफ़ी, थ्री कप्स ऑफ कॉफ़ी, टू ग्लासेस ऑफ बियर, थ्री ग्लासेस ऑफ बियर, तो नंबर ऑफ ड्रिंक्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तब ये काउंटेबल कंसिडर किए जाएंगे, और जब हम केवल ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जैसे आई लाइक कॉफ़ी, शी हैड्स बियर, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इनको कंसिडर किया जाएगा। मीट, जब हम टाइप ऑफ मीट के बारे में बात करेंगे तब ये काउंटेबल है, और मीट जब फूड के रूप में यूज़ होगा तब ये अनकाउंटेबल होगा। फ्रूट, काइंड ऑफ फ्रूट, और फ्रूट यहाँ पर फूड
को भी कहा जाता है। एक्सपीरियंस, जब हम किसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं तब हम एक्सपीरियंस को काउंटेबल कहते हैं, और जब हम एक्सपीरियंस को नॉलेज के रूप में देखते हैं और स्किल के रूप में देखते हैं तब वो अनकाउंटेबल होता है। फायर, फायर दोनों है, बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मेमोरी, जब हम स्पेसिफिक मेमोरी के बारे में बात करते हैं कोई पास्ट इवेंट्स के बारे में तब मेमोरी जो है काउंटेबल है। और जब हम एबिलिटी टू रिमेंबर, कोई चीज़ हमें याद है उस रिमेंबर उसकी जो एबिलिटी है उसको जब हम बात करते हैं उसके बारे में तब हम मेमोरी जो है वो अनकाउंटेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया। ये नाउन का एक छोटा सा पार्ट हमने देखा कि नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के हमने टाइप्स देखे, हमने इसके क्लासिफिकेशन किया। नाउन के हमने दो तरह से क्लासिफाई किया नाउन को, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में हमने तीन तरह के नाउन्स को क्लासिफाई किया। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन, उसको हमने अनकाउंटेबल नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया। और फिर हमने ये भी देखा कि दो नाउन जो है अलग से हमने लिखी। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड चैप्टर आफ्टर फर्स्ट चैप्टर, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, जिसमें कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन लिया था। अब हम डे बाय डे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं उन सभी के बारे में डिटेल स्टडी के बारे में बात करेंगे। आज हमने नाउन के बारे में बात की। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड शेयर माई वीडियोज सो दैट आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर शेयर्स। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।